पहले एग्जामिनेशन में क्या था, सबसे पहले था 5 पॉइंट्स कॉमन। एग्जामिनर अरेंज द इंस्ट्रूमेंट्स, आपने सामान अपने देख लो कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है जो आपने एग्जामिन करना है। आधे से ज्यादा लोग जो फेल होते हैं उस चीज पे फेल होते हैं कि उनको हेडलाइट पहनना। हेडलाइट का जो है ना, इसके अंदर आपको एक चीज याद रखें, ये फ्लैट वाली जो साइड है दिस हैज टू गो अप, ये जो कर्व साइड है ये नीचे होगी, कर्व साइड ऊपर कभी नहीं जाएगी, ये नीचे आएगी लाइक दिस। कई दफा होता ही है कि वहां पर हेडलाइट पड़ी भी इस तरह से करके हो। अब आप देखते हो कि जी इसकी ये लाइट नीचे, तो आप इस तरह से करके पहन लेते हो। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ वेयरिंग इट। आप उसको करेक्ट करो, इसको नीचे करें, ठीक है। ये एग्जामिनर रेंज इंस्ट्रूमेंट्स में यही चीज करनी है। हेडलाइट को ये आप करें, अगर टाइट है यहाँ से तो आप इसको ढीली करके यहाँ से अपने हेड के हिसाब से आप इसको छोटा या बड़ा करें, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू गेट अप, अपने लिए ले लोगे तो आप उसका यू विल गेट यूज टू इट, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले इस ट्रैप को आगे या पीछे करोगे तो दूसरे टाइप हो जाएगा। एग्जामिन रेंज इंस्ट्रूमेंट्स में ये चीज है। अब आप देखो पहले स्टेप के अंदर ही मैंने बताया आधे से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट डूइंग दिस थिंग कि लाइट को उन्होंने ठीक नहीं लगाया। लाइट को ऑन कर दें, लाइट लगाने के बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लाइट का फोकस, ठीक है। द वे टू फोकस इट इज कि अगर आप अपना हाथ सामने रखो तो आपकी दोनों आईज जो हैं ये आपकी यहाँ पाम में कर लो, इसकी लाइट जो है ना वो भी वहीं पर आनी चाहिए, ठीक है। ये हमने कर लिया, नाउ इज लुक ऑन द साइड एंड लुक अगेन। आप देखो जहां मेरी आंखें जाएंगी वहां मेरी लाइट जाएगी। बेटा आपकी जो आंखें हैं इसका फोकस आप अपने पाम पे करो और वहीं पर अपनी लाइट का फोकस करो, यानी ऑल थ्री शुड बी एट द सेम पॉइंट कोऑर्डिनेशन, ताकि जहां आप देखोगे आंखों से वहीं पर आपकी हेडलाइट जाएगी, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, हेडलाइट का पहनना और फोकस का, ठीक है। नेक्स्ट आपका एयर एग्जामिनेशन के अंदर क्या था, सबसे पहले एग्जामिनर रेंज इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंड इज इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अयूब है, मैं आपका मुआयना करूंगा, इजाजत है? कंसेंट हो गया। उसके बाद हमने पोजीशन द पेशेंट, पोजीशन द पेशेंट्स में आई मेंट कि आपने क्रॉस लेग नहीं होना, दैट मींस के नॉर्मली आगे करना लोग करते ये हैं कि जी या तो दोनों टांगे बाहर लाइक दिस या एक टांग अंदर है इस तरह, दिस इज नॉट एक्सेप्ट। आपके और पेशेंट की इस तरह होना चाहिए, या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, इट शुड नॉट बी अक्रॉस, इट शुड नॉट बी ओपन, ठीक है। ये तरीका है। आपके कौन से कान में दर्द है? राइट वाले कान में दर्द है। ये कह रहे हैं इनके राइट वाले कान में दर्द है, सो वी विल स्टार्ट विद दिस साइड, थोड़ा सा आगे करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में मैंने आपको कहा था पहले आप इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या चीज़ें स्किन को देखेंगे, लुक फॉर एनी स्कार, साइनसेस, ग्रोथ वगैरह के लिए देखेंगे। इसके बाद पल्पेशन पे आ जाएं, पल्पेशन में ट्रेकर्स को यहाँ से प्रेस करके देखेंगे, पिन्ना को एक्सटेंड करके देखेंगे एंड मैस्ट्रोइड को प्रेस करके देखेंगे। थ्री पॉइंट्स, ट्रेकर्स, पिन्ना एंड मैस्ट्रोइड, ठीक है। इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन इसमें है कि नहीं है? कोई नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को यहीं पर मैंने कहा था कि आप बगैर कुछ किए लाइट डाल के देख लेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में तीन चीजें हैं, ओरल स्पेकुलम है सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑटोस्कोप है, इसमें पढ़ा कितने दिन ऊपर वाली ब्लू कलर का पढ़ा। ऑरल स्पेक्लम, अब
basically speculums ko hold karna jo hai na, that is very important. You should know how to hold it and in which hand. Ear speculum ko jo pakadne ka tarika hai, jo kaan hai, usi haath mein pakadenge. Ye kaun sa kaan hai iska? Right. Which hand is this? Right. So right ear, right hand. Left ear, left hand. Ye yaad rakhiye. Crossing nahi honi chahiye. There should be no crossing of the hands. Right ear, right hand, left ear, left hand. पकड़ने का तरीका इसको ये है कि मिडिल टू फिंगर्स के दरमियान में आप इसको पकड़ते हैं लाइक दिस. ये दो फिंगर्स जो हैं ये फाइन ट्यूनिंग के लिए. इन दो उंगलियों में पकड़ा, इन दो उंगलियों से उसको थोड़ा हिला के अंदर डालने के लिए किया. सो अभी पेशेंट को आपने पोजीशन कर लिया. ये हाथ जो है ऑपोजिट हैंड, ये यूज होता है पिन्ना को पुल करने के लिए अपवर्ड्स बैकवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. क्योंकि जब तक अपवर्ड्स बैकवर्ड्स आउटवर्ड नहीं करेंगे तो आपका लाइन नहीं होगा. ये करने के बाद इन दो उंगलियों से आप इसको इंसर्ट करेंगे और इन दो उंगलियों से फाइन ट्यून करेंगे. ठीक है, अभी आपको पूरा इसका मुझे अंदर तक नजर आ रहा है. ठीक है, ये आपका ओरल स्पेकुलम हो गया. सेकंड कम्स ऑटोस्कोप. ऑटोस्कोप अगेन सेम प्रिंसिपल्स. जो कान है उसी हाथ में पकड़ेंगे. होल्ड इट लाइक अ पेन, इसकी तरह पकड़ने पेन की तरह. आप इसको अगेन पुल करेंगे और डाल के आप अंदर से देख लेंगे. ठीक है, तीसरा होता है सिंगल स्पेक्ट्रम. वो हमारे पास है नहीं, बट बेसिकली उसमें और कुछ भी नहीं है. ओरल स्पेक्ट्रम जो है ऑटोस्कोप, इसके बाहर ट्यूब लगी हुई होती है और थोड़ा सा पंप होता है. दैट इज यूज टू चेक द मोबिलिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. जब आप हवा पुश करेंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव करेगी, उसकी मोबिलिटी को चेक करेंगे. कितना नजर आया. ठीक है, ये आपका हो गया, इंटरनल का पूरा हो गया. गो टू दी अदर एयर. इसके अंदर यही पॉइंट्स आप रिपीट करेंगे. इंस्पेक्शन, पैल्पेशन. ठीक है, एयर स्पेक्लम कौन से का हाथ में जाएगा? लेफ्ट हैंड. दीज टू फिंगर्स इससे पुल करेंगे और एग्जामिन करेंगे. ठीक है, एयर स्पेक्लम, ऑटोस्कोप सेम हैंड, सिंगल. अब अवेलेबल नहीं है तो एग्जामिनर को कहने के उससे सिंगल है नहीं तक इसको पता लग जाए कि आपको आता है. एक्सटर्नल इंटरनल कंप्लीट हो गया आपको. इसके बाद आपने अगला क्या करना है? अब आपने टीएम जॉइंट दांत खोलें, ये चेक कर लेंगे. इसके बाद यहीं से आपने मुंह खोले, ये आपका टीएम जॉइंट चेक हो गया. अगला क्या करना है? फंक्शनल एग्जामिनेशन. अब ये दो टाइप के मिरर हैं, एक स्ट्रेट मिरर है और एक कर्व मिरर है. The curved mirror is used for posterior rhinoscopy. The straight mirror is used for indirect laryngoscopy. Why? Because posterior rhinoscopy में आपने ऊपर देखना है and indirect laryngoscopy में आपने नीचे देखना है. ठीक है, जब आपने ऊपर देखना है तो ये curve basically tongue के लिए दिया हुआ है कि tongue आपकी यहाँ पर आ जाएगी and you can look up. जब आपने देखना ही नीचे है तो ये ऊपर की तरफ होगा, तो इसमें आपको टंग को बचाने की जरूरत नहीं. ठीक है, सो स्ट्रेट इज आइडियल, कर्व इज पोस्टीरियर रेनोस्कोपी के अंदर टंग के प्रेशर पकड़ते हैं. आइडियल के अंदर यू होल्ड द टंग विद अ गॉस. मुंह खोल लेते हैं. जुबान नीचे कर. इसके अंदर मिरर को आप पहले वार्म करेंगे, दोनों के अंदर मिरर को वार्म करेंगे. पेशेंट को टच करके दिखाएंगे कि गर्म तो नहीं बेटा. ये खोलेंगे, ये पानी वाला जो है खोलेंगे. ठीक है, हाँ टच करके देखो पानी गर्म है. यस सर. इसको डिप करके उसमें मुझे दे दो. एक सेकंड के लिए डिप करके दे दो. ठीक है, ये वार्म हो गया ताकि फॉग ना हो,
मैंने अपने हाथ पे चेक किया, अब पेशेंट को चेक कराऊंगा, गर्म तो नहीं है, मुंह खोले, मुंह को ऊपर करेंगे, टंग डिप्रेसर से टंग को नीचे प्रेस करेंगे, बिल्कुल बेटा गीला छोड़ दीजिए, एक मिनट लगेगा। अब इसमें आपने इसको मिरर को साइडवेज लेके जाना है और यूविला के पीछे जाके इसको ऊपर टर्न कर देना। सो आई टेक इट साइडवेज एंड आई टर्न इट अपसाइड डाउन, मुंह थोड़ा सा बेटा बड़ा, बस एक मिनट, ये दिस इज द वे टू डू इट। देख रहे हो, ये देखो पीछे पूरा नजर आ रहा है, ये आपका पोस्टीरियर एंडोस्कोपी, ठीक है। इसके बाद और फंक्शनल एग्जामिनेशन, फंक्शनल में सबसे पहले फेशियल, बेटा ऊपर देखिए, माथे पे बल डालें, माथे पे बल डालें, बल डालो ऊपर, आंखें जोर से बंद करो, दांत दिखाएं, मुंह में हवा भरें, ये हमने पूरा फेशियल का चेक कर लिया। नेक्स्ट आ गया कॉकलियर का, कॉकलियर के अंदर सबसे पहले आता है फिंगर फ्रिक्शन। फिंगर फ्रिक्शन में हम क्या करेंगे, आपको आवाज आए तो बताने, आप ये हम रख देते हैं ताकि पेशेंट को नजर ना आए हाथ, फिंगर फ्रिक्शन। कौन से ये पहले टेस्ट करेंगे, डिजीज कर लो, वो कर लो, एक ही बात है, ठीक है, डिजीज को पहले करो, फिंगर फ्रिक्शन हो गया। उसके बाद वॉइस टेस्ट में भी यही चीज होती है, मैं कुछ बोलूंगा आपने बताने क्या आप बोल रहे हो, ठीक है, फिंगर फ्रिक्शन। नेक्स्ट कम्स यूनिफॉर्म, दो तरीके, यू कैन आइदर स्ट्राइक इट ऑन योर एल्बो और यू कैन स्ट्राइक इट ऑन योर नी, इट्स अप टू यू, जो आपको करनी है। इसमें तीन टेस्ट करते हैं, रेनी, वेबर एंड एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। रेनी इज कंपेयरिंग द बोन कंडक्शन विद द एयर कंडक्शन, bone conduction with the air conduction, which should be better? Air conduction is normally two times the bone conduction. Cuneiform just be used karte hain, the frequency for this is 512. Why 512? Agar aap lower frequency use karoge, to usme vibration sense zyada aa jati hai. And if you use a higher frequency, to uska decay jaldi ho jata hai. So that's why 512. Lower mein vibration zyada aa jati hai. हायर में डिग्री ज्यादा, सो दैट्स व्हाई 512। इसको स्ट्राइक करेंगे, पहले पीछे रखेंगे, आवाज आती है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, सो रेनी आपका हो गया, आवाज आती है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है, दिस इज रेनी। वेबर के अंदर दरम्यान में रखेंगे, इस काम में ज्यादा है, बराबर है, बराबर हो गया। लास्ट ट्राई करते हैं एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में यू कंपेयर द बोन कंडक्शन ऑफ द पेशेंट विद द बोन कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनर। जब यहां पर वो कहती खत्म हो गया तो यू कीप इट ऑन योर सेल्फ, ठीक है, दोनों कानों का इसी तरह से आप देख पाएंगे। ये आपका हो गया क्यूनिफॉर्म टेस्ट। अगले आपके आ गया वेस्टिबुलर के, ठीक है, वेस्टिबुलर के लिए सबसे पहले निस्टैग्मस ऊपर देखें बेटा, मेरी इस उंगली को जहां मैं लेके जाऊंगा वो आपने देखी, एच ड्रॉ करने यहाँ पर कॉर्नर पे होल्ड करते हैं। अगर स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस होगा तो जर्की मूवमेंट्स ऑफ दी आई यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये एच आपका, ये स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेरेब्रल टेस्ट। पहले हमें करना चाहिए वेस्टिबुलर, लेकिन सेरेब्रल पहले इसलिए करते हैं बिकॉज वेस्टिबुलर टेस्ट के लिए पेशेंट्स को खड़ा करना पड़ता है, तो यू वांट के बैठ के जितने टेस्ट है वो पहले कर लें फिर खड़े होके करेंट। इसमें आपका जो है सबसे पहले आ जाता है फिंगर नोज टेस्ट। अपनी उंगली को, इस हाथ की उंगली को आप मेरी उंगली पे लगाना और अपनी नाक पे लगाना, टेस्ट टेस्ट। अब आंखें बंद करते हैं, बस दूसरी साइड से बोल के पहले आके बाद, ठीक है, फिंगर नोज टेस्ट। सेकेंड इज ऑल्टरनेट सुपरनेशन एंड प्रोनेशन, इस तरह करें। थर्ड इज रीबाउंड। रीबाउंड के दो तरीके, मेरे हाथ, हाथ को आपने खींचना है, दिस इज रीबाउंड। रीबाउंड में चेक ये करें कि जिनमें प्रॉब्लम होती है पेशेंट में,
दे आर अनेबल टू स्टॉप और उनका हाथ पीछे तक चला जाता है, लेकिन स्लिप हुआ है तो ही इज एबल टू होल्ड इट. जिनमें सेरेब्रल डिसऑर्डर होते हैं वो होल्ड नहीं कर सकते, वो जोर से या तो अपनी तरफ है, एक तरीका ये है, दूसरा मेरे हाथ को पुश करें ये, सो दे आर अनएबल टू होल्ड इट, उनका बैलेंस आउट हुआ होगा. ठीक है, ये तीन टेस्ट सेरेब्रल के होंगे. इसके बाद आपने करना है पोजिशन टेस्ट. पोजिशन टेस्ट खड़े होकर करेंगे, खड़े होके आपका एक आ जाता है रोम्बर, रिइंफोर्स रोम्बर एंड गेयर इन टर्निंग. सबसे पहले वॉक करा के देखें बेटा, ये सीधी लाइन में आप वहाँ वॉक करें और वहां से वापस मुड़ के खड़े हो जाए, उस तरफ मुंह कर रहे हैं. अब आपने कदम मार्च यहीं पर खड़े खड़े हाथ आगे कर लेंगे इस तरह से, और आपने कदम मार्च करनी है इधर एक जगह खड़े खड़े पाँव को ऊपर नीचे, हाथ दोनों साइडों पे रखेंगे ताकि पेशेंट अगर ऑफ बैलेंस हो तो आप उसको वो कर लें. तेज तेज करें, अब आंखें बंद करके करें. बस इसमें एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज बैलेंस तीन चीजों से कंसर्न्ड है. एक आपकी आईज बैलेंस में इनपुट दे रही है, दूसरा आपके ईयर्स इनपुट दे रहे हैं, और तीसरा आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स इनपुट दे रहे हैं. So what you're doing actually is कि आप तीन आउटपुट में से दो आउटपुट्स को माइनस कर रहे हैं. आपने आईज को बंद करवा के आईज की इनपुट खत्म कर दी, और जब आप कदम मार्च करा रहे हैं तो उसमें प्रोप्रियोसेप्टर्स इनपुट कम हो जाती है. सो बेसिकली खाली एयर्स की इनपुट रह गई है, और अगर एयर्स की इनपुट रह गई है एंड इफ ही हैज एन एयर प्रॉब्लम इंटरनल एयर का, तो वो ऑफ बैलेंस हो जाए. समझ आइए आपको इसकी लॉजिक. ये आपका हो गया रोम्बर, रिइंफोर्स रोम्बर के अंदर सामने खड़े हो, हाथ सामने कराए थे, इसमें हाथ को आपस में इस तरह से कर दें टाइट, और कदम मार्च करें जोर से आपस में पुश करके, इस तरह से पुल करके, बेसिकली वही प्रोप्रियोसेप्टर्स को और आईज को माइनस कर रहे हैं. ठीक है, ये आपका वो हो गया गेट टर्निंग, पहले हो गई थी लास्ट ट्राई के, इसमें आईज बंद करानी है, दोनों में करानी है. लास्ट ट्राई के डिक्स हॉल पाइप, डिक्स हॉल पाइप लिटा के कराते हैं, पटे हटा ली उसी से लेट सीखें. अभी मैं आपको लिटाऊंगा, आपने सर बिल्कुल फ्री छोड़ देने, परेशान नहीं होने. ठीक है, आगे पीछे बैठ देखे 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 आने दे, सबको नीचे आने दे, मैं होल्ड करूं. आंखें खोल के रखें बड़ी, आंखें खोल के रखें. इसके अंदर हम बीपीवी के लिए देखते हैं. ठीक है, व्हाट इज बीपीवी? बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो. ठीक है, इसके लिए देखते हैं. इसके अंदर आंखें जो है ना, आप देखोगे एक तो स्पॉन्टेनियस नेस्टैग्मस था जो आपने बैठ के चेक किया था, इसके अंदर इंड्यूस कर रहे हैं नेस्टैग्मस. आंखें खोलें, यहाँ पर आपको नेस्टैग्मस नजर आएगा, चक्कर तो नहीं आ रहे. 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर दरमियान में करेंगे और पेशेंट को बिठा देंगे. ये राइट साइड के लिए चेक हो गया, चक्कर तो नहीं आ रहे, लेट जाए. सामने देखिए, ये लेफ्ट साइड के लिए कर रहे हैं, चक्कर तो नहीं, बिल्कुल दरमियान में कर. दिस इज डिक्स हॉल पाइप. चलो लास्ट आप करेंगे नेक एग्जामिनेशन. यही नेक एग्जामिनेशन के दो तरीके, ये पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा नहीं है अभी तक. बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो बेटा, बैठ नेक एग्जामिनेशन के दो तरीके, एक बैठ के है, डू इट फ्रॉम द फ्रंट और यू कैन डू इट फ्रॉम द बैक. अगर आप खड़े हुए हो तो आप पीछे से भी कर सकते हो, बैठे हुए अगर करना चाहे तो सामने से कर सकते हो. सामने से तरीका यही है कि ये हेडलाइट आपके सर पे होगी, उठने से पहले अगर आपने करना है ऊपर करें बेटा, बटन खोल लीजिएगा,
ये हमने पहला स्टेप था, ये हम एक्सपोजर का ये हम भूल गए थे, ठीक है। एक्सपोजर का आप ये खुलवा के देख लेंगे, नेक के अंदर इंस्पेक्शन करके पहले देख लेंगे, लुक फॉर एनी स्टार साइनसेस ग्रोथ वगैरह। पैल्पेशन के अंदर आपके जर्नी लेंजर कैपिटल्स देख लेना है, ट्रेकिया को देख लेना है, सेंट्रल तो नहीं है। थूक अंदर लेके जाए, जबान बाहर करें, ट्रंक टूट करा ली वो कर लिया, खांसी करें, मुंह में हवा भरें, बहुत सलवा ये आपने करा के देख लिया सर क्या मेनोज। इसके अलावा आपने ट्रेकिया को देख लिया, थायराइड को आपने फील कर लिया, एंड देन लुक फॉर लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का तरीका ये है कि सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल तो आपको खाली हाथ फेरेंगे तो इस तरह से पता लग जाएगा। डीप को देखने का तरीका ये है कि जिस साइड पे आप देखना चाह रहे हैं उस साइड पे हेड को टिल्ट कर लें ताकि स्टर्नोक्लिनोमास्टाइट लूज हो जाए। पहले सबसे सबमेंट्रल देखेंगे, उसके बाद सबमेंडिबुलर, एंड देन डीप सर्वाइकल। बोन के अगेंस्ट पुश करके डीप सर्वाइकल देखेंगे। दिस साइड इज सबमेंट्रल, सबमेंडिबुलर, ये स्टर्नोक्लिनोमास्टाइट है, यहां पर डीप सर्वाइकल पड़ेगा। तो बोन के अगेंस्ट, वर्टिब्रा के अगेंस्ट पुश करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड के देख लें, ये सामने से था, इसके बाद रीड्रेक द पेशेंट एंड थैंक यू। अगर पीछे से करना चाहें तो जैसे कि खड़े हुए थे आप, नेक एग्जामिनेशन आप पीछे से भी कर सकते हैं। आगे हो जाए बेटा, प्लस बैठे बैठे, इसको आप पीछे से भी कर सकते हो। पीछे से करने का तरीका ये ऊपर करें, लेग को आपने यहाँ से देखिए, वही चीजें आपने रेडियल क्रैप्टस देख लिया, पेटिया का देख लिया सेंट्रल है कि नहीं, लिफ्ट नोड्स के लिए सुपरफिशियल के देख लिया, सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, डीप सर्वाइकल, सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, डीप सर्वाइकल, ये करके रीड्रेप द पेशेंट एंड थैंक यू।